नमस्कार। ड्रग्स केस में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को आर्यन की बेल याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के आखिर में स्पेशल एनडीपीएस सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब आर्यन की बेल याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर को आएगा और तब तक आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। खबरों की माने तो बेल याचिका पर सुनवाई होने के बाद आर्यन ने अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात की। इसी दौरान वीडियो कॉल पर आर्यन के साथ साथ उनके पेरेंट्स के आंसू भी छलक पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जेल के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, आर्यन ने अपनी मां का नंबर दिया था और उस नंबर पर उन्होंने मां और पापा से वीडियो कॉल पर 10 मिनट तक बात की। इस बातचीत के दौरान आर्यन खान बेहद इमोशनल हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। ये वीडियो कॉल करीब 10 मिनट तक हुई। अपने लाडले को वीडियो कॉल पर रोता देख आर्यन खान की फैमिली भी इमोशनल हो गई और उनके पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान ने आर्यन को हिम्मत दी। कोविड के चलते जेल प्रशासन किसी भी कैदी को अपने परिवार वालों से फिजिकल रूप से मिलने नहीं देता, बल्कि वीडियो कॉल के जरिए ही बात करवाई जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो आर्थर रोड जेल में इस सुविधा के लिए 11 स्मार्टफोन्स हैं। इससे पहले खबर आई थी कि गुरुवार को ही आर्यन खान का कोविड रिजल्ट नेगेटिव आया है और उन्हें क्वारंटीन सेल से निकालकर आम सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही आर्यन को कैदी नंबर 956 दिया गया है। अब जेल में आर्यन इसी नंबर से पहचाने जाएंगे। बताते चले, 2 अक्टूबर को गोवा जा रहे एक क्रूज पर रेव पार्टी हो रही थी। इसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बतौर स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था। इसी पार्टी में एनसीबी ने रेड डाली और आर्यन समेत कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया। तभी से आर्यन और उनके कई दोस्त एजेंसी की गिरफ्त में हैं। फिलहाल आर्यन खान अपने दोस्तों मुनमुन धामेचा और अरबाज सेठ मर्चेंट के साथ मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। वैसे हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मीडिया के गलियारों से इस तरह की खबरें आई हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।